हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवू गेम पोर्टल 3.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम खेलेंगे भाई द गैंगस्टर। और मैंने इस गेम को बहुत खेला, देखिए मैंने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है। और मैंने एक बात नोटिस की, क्या आपने देखा भाई, ये दरवाजे का साइज तो देखो, क्या पूरी मिलिट्री अंदर घुसानी है। और तो और मैं उस पर जा भी नहीं सकता, क्या मुझे बताएगा कोई इतने बड़े दरवाजे किस लिए हैं। चलिए ठीक है, दरवाजे की बात छोड़िए, मुझे एक बात बताओ भाई, ये सामान किसका रखा हुआ है और ये सामान जगह जगह पे आपको मिलेंगे। और एक चीज आपको दिखाता हूं मैं, सामने के दो बैग्स ठीक है, उसके बाद जो पीछे वाला जो बैग है उसका साइज तो देखो, मतलब ये गेम बनाने वाले चाहते क्या थे। ये साइज देखो, मेरा साइज देखो, उस बैग का साइज देखो भाई, इस बैग को उठा के कौन ले जा सकता है भाई, लिटरली RIP गेम लॉजिक। वो तो ठीक है, इस बेंच को देखिए, क्या मैं 2 साल का बच्चा लग रहा हूं, मतलब कुछ भी प्रपोर्शन को कोई ध्यान नहीं। ये गेम वाले इंडिया का नाम डुबा रहे हैं वाकई। अब इस डस्टबिन को ही देख लो, इस डस्टबिन को आप ऐसे ही खसका सकते हैं, ऐसे ही, मतलब हाथ भी नहीं लगा रहा हूं मैं, ऐसे यहां तक खसका के ले आया हूं। वाह, मैंने ट्रैफिक जैम कर दिया, वाह, या नहीं, चलो इसे आगे खसका लेता हूं। तो पुलिस आ गई, ओ भाई मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं, मैंने क्या किया आप ही बताइए, मैंने क्या किया, अभी तक कुछ नहीं किया मैंने, लगता है इसको बताना ही पड़ेगा। ओह भाई ये क्या हो रहा है, इस गेम में ये सही बता है कि भाई ये तो इंडियन पुलिस है, बिल्कुल इस गेम की पुलिस बिल्कुल इंडियन पुलिस टाइप की बिहेव करती है। और उसके अलावा यहाँ पर एक मशीन आपको दिख रही होगी ठंडे पानी की, देखिए भाई कितनी बड़ी मशीन है भाई, कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या ठीक है, वो सब छोड़िए, अब चलते हैं डिस्को की तरफ। तो मैं इसी मशीन के बारे में बोल रहा था, देखिए कितनी बड़ी है मशीन भाई, लग रहा है 2 साल का बच्चा हूं मैं इसके सामने। तो अब चलते हैं डिस्को की तरफ, और अभी मेरे पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए। देखिए बॉक्स को तो मैंने ऐसे ही गिरा दिया, अब मुंह पे मारते हैं उसके पैसे और निकालते हैं कांचा चीना, यानी कांचा बिहारी का पता, आई थिंक उसका नाम यही है। जिस इंफॉर्मेशन का पता मुझे पहले से ही है, उसके लिए मैं 10 लाख रुपए देने जा रहा हूं। अब बताइए सामान किसका रखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा सामान जगह जगह पे रखा हुआ है भाई, इसका क्या लॉजिक हो सकता है। तो हमारे डेस्टिनेशन आ चुका है, तो एक बहन जी जा रही है, इतनी जल्दी में क्यों हो? बहन डिस्को जाना है। अरे भाई देख कर चल। अरे अब क्या कर दिया मैंने, काला चश्मा पहना है क्या? नहीं पहना काला चश्मा, मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ भाई, ये रिवर्स में क्यों जा रहा है। तो ये लीजिए, ये हो गया 10 लाख, इसको पेमेंट, बिना पैसे के नहीं आया हूँ मैं, ये बात अब जल्दी जल्दी मुंह खोल। ये हुई ना बात भैया, उसका नाम है कांचा बिहारी। अरे वो तो मुझे पहले से मालूम था, वही है उसका ठिकाना, खाली हाथ मत जाना भैया, बहुत सारे बॉडीगार्ड है उसके, लोकेशन मैंने आपको डाल दिया हूं, उसको फॉलो कर लेना। क्या बात, अब लोकेशन मिली है मुझे कांचा बिहारी की, तो वो किसी आइलैंड में रहता है, पहले मुझे आइलैंड जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे चाहिए होगा हेलीकॉप्टर, तो एक हेलीकॉप्टर तो मेरे घर के ही पास में है। A few moments later. अब मैं आपको एक और फनी चीज दिखाता हूँ, इसे जंप देखिएगा एक बार, जब नॉर्मली आदमी जंप करता है तो सिंपल एक जंप करता है और नीचे आता है। देखा इसने क्या किया, हवा में कूदने के बाद वो फिर से दौड़ने लगता है। काफी फनी है भाई। तो ये रहा मेरा हेलीकॉप्टर और इसे मुझे उड़ाना आता है। पहले एपिसोड में मेरा हेलीकॉप्टर जब मैंने उड़ाया था वो तुरंत ही ब्लास्ट हो गया था, लेकिन अब नहीं, अब मैं इसमें एक्सपर्ट ड्राइवर बन गया हूँ, या कहें एक्सपर्ट पायलट बन गया हूँ। अब मुझे उस लोकेशन तक पहुँचना पड़ेगा जहाँ पर वो मैप में दिखा रहा है, वहाँ पर समुद्र के बीच में एक छोटा सा स्क्वायर आइलैंड है, एकदम स्क्वायर है वो, उसमें है एक छोटा सा हेलीपैड, उसमें उतारना है भाई मुझे हेलीकॉप्टर को। और भाई प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर केवल हेलीपैड नहीं है, वहाँ पर इतने सारे फेंसेस हैं कि हेलीकॉप्टर फेंसेस में भी टकरा के ब्लास्ट हो जाता है। तो देखा ना अभी तक मैंने हेलीकॉप्टर कितना अच्छे से उड़ाया है, बढ़िया उड़ा रहा हूँ ना। अब असली तो पता चलेगा लैंडिंग के समय, सबसे टफ लैंडिंग है इसमें।
ओ नीचे शिप भी है, ओहो शिप भी है इसमें। क्या मस्त ठंडा हवा आ रहा है भाई, क्या बात है। ओहो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, मैं सही डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ ना। ओ भाई समझ नहीं आ रहा, ऊपर से सीधी कितना अच्छा लग रहा है ना। अब बहुत हो गया ऊपर से उड़ना, अब थोड़ा सा नीचे जाके अब थोड़ा सा ये सीनरी लेते हुए उड़ते हैं अपन। तो अभी पता नहीं वो आइलैंड कितना दूर है। ओ यहाँ पर तो मेट्रो भी बनी हुई है भाई, ये सिटी वाले बहुत तरक्की कर रहे हैं, मेट्रो तक है यहाँ पर, बढ़िया। बीच, रोड, होटल्स, मेट्रो सब एक ही जगह पे। भाई उसने कहा था कि वहाँ बहुत सारे गुंडे मिलेंगे, 20% हेल्थ के साथ मैं उस आइलैंड पे जा रहा हूँ। भाई अगर गुंडे मिल गए ना तो भाई वहीं निपटा देंगे मुझे। अभी पता नहीं कितना दूर और है आइलैंड, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो उड़ते उड़ते हम काफ़ी दूर तक आ चुके हैं और ये रहा आइलैंड। ओके तो भाई अब परीक्षा की घड़ी है, यहाँ पर हेलीपैड है, उस हेलीपैड के अंदर हमको उतारने का है। मतलब ये छोटा सा आइलैंड भाई, इसमें उसका अड्डा कैसे हो सकता है। खैर अपने क्या करने का है। ओह भाई ओह एक राउंड और मारता हूँ भाई, इसमें उतारना उतना आसान नहीं जितना लग रहा है। थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, थोड़ा नीचे, हाँ ये सही लग रहा है। अब धीरे धीरे वो हेलीपैड के ऊपर जाने का है अपने को, और उसके धीरे धीरे करके नीचे करने का एल्टीट्यूड। स्पीड को अभी मैं स्लो ही रखता हूँ। ओ भाई आराम से उतरना, ओ भाई आराम से उतर जाना, एक्सीडेंट मत होना भाई। पहले बार में मैं एक्सीडेंट हो चुका है, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मैंने उसको आपको दिखाया नहीं, मेरे को अपना कचरा नहीं करवाने का था। तो अब ये रही परफेक्ट लैंडिंग, क्या बात है, इसको बोलते हैं परफेक्ट लैंडिंग। वाह क्या बात है, मैं हूँ ना अच्छा पायलट। क्या लैंडिंग की, एच के ऊपर ही की है भाई लैंडिंग, बीचों बीच नहीं हो पाया लेकिन लैंडिंग हो गई। अब कहाँ जाना है, ओके यहाँ पर जगह है, यहाँ जाना है हमें। ओ भाई अचानक से आइलैंड इतना बड़ा कैसे हो गया। अरे कोई सुन रहा है, मुझे बचाओ। अरे यहाँ तो कोई लड़की फंसी है भाई, इधर उधर क्या देख रहे, पीछे देख पीछे, मुझे बचाओ। ये क्या है, ये कैसे फंसी है भाई, रिंग से बांध के रखा है उसको, इतने गैप में तो दो लड़कियां बन जाती। तुम कौन हो और काजल कहाँ है। पहले तुम मुझको यहाँ से निकालो, फिर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी। भाई ये कैसी जगह है, सामने सोफा भी रखा हुआ है। उस मोटू ने गलत जगह बताया मुझे, 10 लाख भी ले लिए और जगह भी गलत बताया। ज्यादा आवाज मत करो, जल्दी जल्दी आओ। ओके तो ये इसको बचाने आया है, पर ये आइलैंड में अकेले क्या कर रही है, और बाकी गुंडे कहाँ गए, उसने तो कहा था गुंडे मिलेंगे। जल्दी जल्दी आओ, पैर में मेहंदी लगी है क्या। अच्छा तुमको हेलीकॉप्टर चलाना आता है। नहीं मुझको हेलीकॉप्टर चलाने नहीं, उड़ाने आता है। भाई इतना फालतू जोक मैंने कभी नहीं सुना भाई, लिटरली किंग ऑफ बैड जोक्स। ओके अच्छा, अरे आपने देखा हेलीकॉप्टर चेंज हो गया इसका। जंगल में कैसे फंस गई। मेरा नाम शीला है, मैं कांचा को मारने आई थी, उसने मेरे भाई को मार दिया था। इससे पहले मैं उसको मार पाती, उसकी बॉडीगार्ड से मुझे पकड़ लिया और यहाँ बांध दिया। लेकिन तुम कौन हो। तुमने कभी भाई द गैंगस्टर का नाम सुना है। नहीं नहीं सुना। तो तुम वही गैंगस्टर हो जिसकी गर्लफ्रेंड को कांचा ने मार दिया था। वो भी M249 से। हम दोनों का दुश्मन एक ही, हम दोनों मिलकर कांचा से बदला लेंगे। लेकिन कांचा बैंकॉक चला गया। ओ भाई ये क्या ट्विस्ट है भाई, अब बैंकॉक जाना पड़ेगा। अच्छा बैंकॉक, एक दिक्कत है पर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अभी गधे हेलीकॉप्टर तो है। कोई बात नहीं, मैं कैसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसका नाम है छोटू और उसको बोलना है छोटू। ये रहा उसका पता, मैप में ऐड कर दिया है। अब ये छोटू कौन है भाई, अभी छोटू के पास जाना पड़ेगा पासपोर्ट बनवाने के लिए। इसको अगले एपिसोड में देखते हैं, अभी मुझे स्टंट मारने का मन कर रहा है। ये देखिए एक रैंप है, ओ मजा आएगा। अभी इस रैंप के ऊपर से मैं बाइक उड़ाता हूँ, देखना GTA स्टाइल में। और ये रैंप भी आसमान तक जा रही है। तो
तो ये देखो मैं चला बाइक से, अभी देखना GTA स्टार्ट। तो ये क्या हुआ भाई, आगे क्यों नहीं बढ़ रही? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। क्या ये मजाक हो रहा है भाई, मुझे स्टंट तो मारने देता। खैर गाइस स्टंट भी नहीं मार सकते, तो अब बाकी काम करेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।